सर कैसा लग रहा है सर, भगवा एकता रैली निकाली जा रही फरीदाबाद में, हजारों लोग हैं, आप चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर, कैसा लगा सर फरीदाबाद में, कैसा माहौल लगा? फरीदाबाद वालों ने आज भगवा में फरीदाबाद करके दिखा दिया है क्या भी शहर का नाम बदलने की भी जरूरत आ गई है। दीरे दीरे। ये फरीदाबाद कहने की क्या जरूरत है, बिल्कुल अब ये तो भगवा शहर हो गया है। सही बात। यहाँ के हिंदुओं ने आज रामनवमी पर ये दिखा गया कि कोई रावण अब हमारे बहन और माता भगिनियों पर नजर बुरी रख नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो बिट्टू बजरंगी जी ने यहाँ करके दिखाया है, क्षेत्र का सारा हिंदू एक होकर जिहादियों को संदेश दे रहा है कि अभी लव जिहाद धर्मांतरण का धंधा फरीदाबाद में नहीं चलेगा। थोड़ा आराम से। हाँ। तो सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहेंगे कि 20% जो जमात है वो 80% का दमन करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। 80% हिंदू कम से कम दमन के लिए तो नहीं लेकिन बचाव के लिए तो एकत्र आना ही चाहिए। और इसलिए फरीदाबाद के हिंदू को यही संदेश है कि आप एक हो जाओ, एक होके सब जगह पर अपना यूनिटी दिखाओ। बिट्टू जी आप क्या कहेंगे, बहुत मेहनत की आपने? मेहनत नहीं की, मेरे जितने NCR के भाई हैं, मेरे टीम ने, हाँ मेरी टीम ने, मेरे भाइयों ने, मेरे हिंदू भाइयों ने, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ चौहान साहब का, जो हमारे सुदर्शन चैनल के हिंदुत्व के प्रोद्धा है, उन्होंने फरीदाबाद में युवाओं को एक संदेश दिया है कि हिंदू में शक्ति है, अगर हिंदू एक रहेगा तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हम लड़ ना सकें। और मैं सभी हिंदू भाइयों का, सभी सामाजिक धार्मिक संगठन इस रैली में भाग लेते हैं, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ अगर हिंदू एक रहेगा तो ना तो कोई लव जिहाद होगा, ना कोई गाय कटेगी, ना कोई हमारी भारत माता को डाइन जाएगा। आप लोगों का जो ये जुलूस है, हजारों जगह स्वागत भी हो रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस कुंभ में शामिल होकर ये दिखा दिया कि हिंदू एक है, कोई भी जाति का हो, कोई भी पार्टी का हो। मैं यही चाहता हूँ हिंदू हिंदू एक है, बाकी सब बाद में बेकार की बात है। धन्यवाद। आपकी जो रैली है सफल हुई है, रैली का मैसेज भी सफल हुआ है। हम तो चाहेंगे धर्म सुरक्षित रहे, धर्म तरक्की करे, ठीक है, हम तो यही चाहेंगे। और आपकी मेहनत सफल हो और सुरेश समाज जी की मेहनत भी सफल हो, आप भी धर्म के लिए काफी त्याग कर रहे हैं, काफी कुर्बानी आप भी दे रहे हैं, काफी मेहनत है। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं, आपके जैसे चैनल का समर्थन होना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। हमने बातचीत की, थोड़ा रोकना भैया, हमें उतरने दो। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सारा हिंदू जाग रहा है, देश जाग रहा है। चलो अच्छी। और हम लोग एक समस्त संगठन समस्त समाज मिलकर इस महारैली में शामिल हुए इसके लिए, और धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो रिपोर्टिंग करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। कैसा लगा सर, कैसा जाएंगे? सभी रामनवमी पे सभी राम भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे कि राम जन्मोत्सव की खुशी मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, और आज हम पूरे फरीदाबाद बल्कि पूरा NCR राम भक्तों का मेला, आज एक भगवान रैली निकाला जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, जय श्री राम। और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये रैली निकाली जा रही है और पूरा शहर भगवान में हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को शुभकामनाएं, आप तो किसी तरह से धर्म के लिए खड़े रहें, धर्म के लिए मेहनत करें।